आप उसी का आपके अकॉर्डिंग योर बुक क्वेश्चंस में आपको क्लियर कर रहा हूँ। कल मैंने केवल एक्सपेंडेड फॉर्म्स का आपको रिवीजन किया था। अगर उसमें किसी को डाउट हो, जैसे जिसको डाउट्स है उन्होंने मुझे कॉल से क्लियर कर लिए थे, फिर भी किसी को डाउट्स हो तो मुझसे कंसर्न कर लेना। अब हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन वर्ड्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स व्हिच आर फॉर्म फ्रॉम 8524 एंड 0। यानी कि इन फाइव डिजिट नंबर्स के बेस पर हमें एक एक्सपेंडेड फॉर्म डिजिट्स बनानी है, ठीक है। तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म डिजिट्स मैंने बनाई है 85240, इसी को सीक्वेंस फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 40 हो जाएंगे। यानी कि ये क्या हो गया, 80,000। अब 5 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 3, तो ये 3 फॉर्म शोन पर क्या हो गया, 5,000। देन 2 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 200, 4 के आगे 1 डिजिट है, देन 40, देन 0। तो एक अब इसी को इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे, 85,240, ओके। इस तरीके से ये नंबर्स फॉर्म हो गई, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ये इसकी इनवर्स फॉर्म हो गई। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कैन यू मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। सेम डिजिट्स का हमें जो आपके पास है डिजिट थी 8524 एंड 0, इसका आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर में और स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो डिजिट्स दे रखी हैं उसकी ग्रेटेस्ट डिजिट्स के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट एंड देन स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट के अंदर सबसे छोटी डिजिट, देन जीरो। जीरो को फर्स्ट नहीं लिखना है, अगर जीरो को हम फर्स्ट में पोजिशन पर लिख देंगे तो वो यूजेबल डिजिट नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिख देते 02458, तो ये डिजिट्स ओनली काउंटेबल 2458, इट इज रॉन्ग बिकॉज यू विल बी यूज ऑल फाइव डिजिट्स, सो दिस रीजन यू विल बी सेकंड पोजिशन यूज इन अ जीरो। एनी डाउट? सो ग्रेटेस्ट डिजिट्स क्या हो जाएगी, तो हमने ऊपर लिखी है 85,420, एंड स्मॉलेस्ट डिजिट्स क्या हो जाएगी, 20,458। इसी तरीके से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स को फॉर्म करना होता है, जो कि हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको एक एग्जांपल रूप में एक डिजिट्स और दे रहा हूँ, जिसे को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और इनवर्स फॉर्म में समझा रहा हूँ। Yes? आप सही है, ठीक है। देखो जिस तरीके से मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन समझाया था, उसी तरीके से एग्जांपल रूप में एक डिजिट्स ले रहा हूँ, किसी को डाउट्स हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एसडब्ल्यू में मुझे जो वर्क करके दिखाना है इसी तरीके से चार्ट बनाना है, नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इनवर्ड्स। जो ये डिजिट्स दिख रही है इनको मैं रीड करके बताऊंगा अभी आपको। आप जो ये आप सुनाई दे रहा है आयशा, आप सुनाई दे रहा है बेटा? देखो, नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इनवर्ड्स। नंबर में जो डिजिट्स है वो लिखनी है आपको, जैसे एग्जांपल के रूप में 96354। अब इस डिजिट को हम रीड क्या करेंगे, पहले इनवर्ड्स फॉर्म में आपको रीड करके बताता हूं। 96,354। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया था जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद कितने जीरोस हैं, डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो 9 के बाद कितने जीरोस लग जाएंगे, 4। देन 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो वो हो गया 6,000। 3 के बाद कितने, 2, तो 300, एंड 5 के बाद 1 है तो 50, देन 4, देन डिजिट विल बी कंप्लीटेड 96,354। एनी डाउट्स एनी स्टूडेंट्स? सो देखो, अब आपको इसको वर्क के रूप में किस तरीके से करना है, हमारे सामने जो मैंने आपको डिजिट्स दिए हैं मैं इनको लिखकर आपको क्लियर बता देता हूँ। एक चीज का याद रखना, जो भी आप लोग वर्क सेंड करोगे वो केवल इन डिजिट्स को ही सेंड करोगे, सारे क्वेश्चंस जो मैं सीडब्ल्यू में करा रहा हूँ उनको सेंड मत करना, ओके स्टूडेंट्स? एसडब्ल्यू समझ में आ गया किस तरीके से नोट सबमिट करना है?
ये जो डेट्स मैं लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 20845, बी इज इक्वल टू 48502, देन सी इज इक्वल टू 58402, नोट कर लेना स्टूडेंट्स इनको, वैसे तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, 45280, 25840, 82450 एंड 28405। इन सभी डिजिट्स को नंबर्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखना है, फिर इधर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेना है उनको, देन इन वर्ड्स फॉर्म में। इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है आपके सामने 7, इनकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और इनवर्ट फॉर्म सेंड करनी है। एनी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एंड सेकेंड क्वेश्चन यू विल बी राइट डाउन, ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं आपको एक डिजिट दे रहा हूं 4, 2, 7, 1 एंड 9, इसकी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट लिख के दिखानी है मेरे को। यस, अब से देखो ये जो 7 डिजिट्स हैं इनकी तो एक्सपेंडेड और इनवर्ट्स फॉर्म लिखनी है, और जो मैंने आपके सामने डिजिट लिखी है 4, 2, 7, 1 एंड 9, इसकी आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉल, अब सही है? तो अब आप किसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को आपको सेंड करना है। आपको किसी भी क्वेश्चन में एसडब्ल्यू में प्रॉब्लम हो, किसी भी जो क्लास में समझाया उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके क्लियर कर लेना, और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर इस वर्क को सेंड करना, ना कि पूरे सीडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यू को। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू।